हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका अपनी यूट्यूब चैनल गार्डन दोस्त में। आज मैंने अपनी यहाँ की नर्सरी को विजिट किया है, तो यहाँ देख सकते हैं काफी प्यारे से प्लांट नजर आ रहे हैं। इधर ये हमें गुलदावदी के प्लांट आ रहे हैं जिसमें काफी सारे वर्ड्स बने हुए हैं, और ये एक अलग वैरायटी है थोड़ी दोस्तों, बड़ी सी, तो इसमें भी काफी प्यारे से फ्लावर आते हैं। इनमें काफी वैरायटी आने लगी है दोस्तों। ये जो प्लांट है बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, परमानेंट होता है, और इसकी कटिंग से हम काफी सारे प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं। और दोस्तों इसे जरूर अपने गार्डन में ऐड करें। इसका जो प्लांट्स है जब इस पे ब्लूमिंग होती है तो दोस्तों बुके जैसा ये लगता है, और जो इसकी ब्लूमिंग है दोस्तों काफी लंबे टाइम तक प्लांट पर रहती है, एकदम स्पेंड नहीं होती। तो कुछ इस तरह के प्लांट्स हमें जरूर अपने गार्डन में ऐड करें जिससे हमारे गार्डन में दोस्तों खूबसूरती और बढ़ जाए। इधर देख सकते हैं वर्बीना का प्लांट है दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, काफी ईजी टू ग्रोइंग होते हैं, ये कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं साथ में सीड से भी। तो इन प्लांट से हम सीड लें नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करें, तो दोस्तों इस तरह के प्लांट को जरूर अपने गार्डन में ऐड करें। साथ में देख सकते हैं ये मैरीगोल्ड का कलेक्शन है, वो कलेक्शन बहुत ही प्यारा है दोस्तों। ये जो प्लांट्स हैं इतने हेल्दी से प्लांट्स हैं, और इन पर बर्ड्स जो हैं दोस्तों काफी सारे बर्ड्स बने हुए हैं, साथ में इन पर ब्लूमिंग है, जो ब्लूमिंग का साइज है बहुत ही बिग साइज है। तो इस तरह के प्लांट्स हैं इनके मैरीगोल्ड के, काफी अच्छी कंडीशन में है, तो ये प्लांट काफी अच्छा माना जाता है दोस्तों, और इसको ग्रो करना भी बहुत ही आसान है। इसको सीड से भी ग्रो किया जाता है दोस्तों, कटिंग से भी ग्रो किया जाता है, और इसका प्लांट आप नर्सरी से लाकर भी ग्रो कर सकते हैं, तो मेरी गोल्ड को जरूर ग्रो करें। इधर दोस्तों इनके कुछ परमानेंट प्लांट थे जिसमें अपराजिता वाइंस थी, कुछ मोगरा के थे, जैस्मीन के थे, तुलसी के भी प्लांट थे दोस्तों, काफी अच्छे इनके पास प्लांट थे, लेकिन कम थे लेकिन काफी अच्छे थे, कॉलियस भी थे कुछ, तो कुछ इस तरह से इनके पास प्लांट थे दोस्तों, काफी हेल्दी से प्लांट थे। तो इस टाइम जो टाइमिंग है बेस्ट टाइमिंग है सीजन प्लांट को ग्रो करने का, क्योंकि दोस्तों अभी हम इनको ग्रो करेंगे ना तो ये अभी से ही हमें ब्लूमिंग करना स्टार्ट कर देंगे, और मार्च अप्रैल तक बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग करेंगे। जो इनका पीक टाइमिंग है दोस्तों स्प्रिंग ऋतु जब लग जाएगा सीजन, तो उसमें तो दोस्तों बेहद ही ब्लूमिंग होती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। तो अभी से ही हमें अपने गार्डन को रेडी कर लेना चाहिए, जल्दी से सारे प्लांट्स को लाकर ग्रो करें। तो ये कुछ इस तरह से अपने प्लांट को दोस्तों सेल करने के लिए ले जा रहे हैं, तो देख सकते हैं काफी अच्छे से इनके पास प्लांट है, काफी सारे हैं। कैंडुला भी है दोस्तों, फोमिया मिली है, परमानेंट प्लांट है, ये चांदनी का भी है इनके पास। तो कुछ इस तरीके की आज मेरा नर्सरी विजिट रहा है दोस्तों। अगर इन्फॉर्मेशन आपको ये अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें दोस्तों।